गायकी के शौकीनों के लिए शानदार खबर। सुर संसार सीजन 1 की शानदार सफलता के बाद अब सुर संसार सीजन 2 केबीसी एक बार फिर लेकर आ रहा है आपका मनपसंद गायकी का कंपटीशन सुर संसार सीजन 2। इस कार्यक्रम में भाग लेकर आप अपनी गायकी और अपनी आवाज को राष्ट्रीय पहचान दे सकते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको निम्न बातों का अनुसरण करना होगा। नंबर 1, सबसे पहले आप अपनी आवाज में अपनी पसंद के एक फिल्मी गाने की वीडियो रिकॉर्डिंग करें और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9297979705 पर भेज दें। नंबर 2, गाने की रिकॉर्डिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें किसी भी तरह का ट्रैक म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ना हो। नंबर 3, गाने को भेजते समय अपना पूरा नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और एज का उल्लेख अवश्य करें। साथ में अपना आधार कार्ड भी भेजें। अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर और एज को आप गाने के पहले बोलकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर 4, इस प्रतियोगिता में 16 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के प्रतिभागी ही भाग ले सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। नंबर 5, प्रतियोगिता में कुल 7 राउंड होंगे। नंबर 6, प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1,00,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 75,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा 4 नंबर से 14 नंबर तक के 11 विजेताओं को स्पेशल पुरस्कार भी दिए जाएंगे। नंबर 7, गाना भेजने की अंतिम तारीख 10 जुलाई 2024 है। नंबर 8, प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई शुल्क नहीं होगा। प्रतियोगिता के नियम एवं विजेताओं के निर्णय का अंतिम अधिकार आयोजक केबीसी न्यूज के पास सुरक्षित रहेगा। जिस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना गाना भेजना है उसे याद रखें 9297979705। आयोजक केबीसी न्यूज कटिहार। प्रतियोगिता के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप हमारे केबीसी न्यूज कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर है 06452242601 और 06452242700। कल शुक्रवार को फलका थाना क्षेत्र के रहटा गांव के स्टेट हाईवे 77 पर अचानक ऑटो खराब होकर अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे गड्ढे में जा पलटी, जिससे ऑटो पर सवार एक 35 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान पूर्णिया जिले के मीरगंज निवासी 35 वर्षीय दिलीप महतो के रूप में हुई है। जैसे ही इस घटना की सूचना फलका पुलिस अवर निरीक्षक विकास कुमार एवं राजू कुमार को मिली, दोनों ही दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने पहले दुर्घटनाग्रस्त ऑटो को जब्त किया और उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं ऑटो चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। इस घटना की सूचना मृतक दिलीप महतो के परिजनों को भी दी गई। जैसे ही इस घटना की सूचना मृतक की पत्नी कंचन देवी को मिली, वह रोती बिलखती घटना स्थल पर पहुंची। कंचन देवी ने बताया कि मेरे पति दिलीप महतो ऑटो लेकर कोढ़ा थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव पूजा अर्चना के लिए जा रहे थे, इसी दौरान यह दुर्घटना घट गई। मृतक को 2 पुत्री एवं 1 पुत्र है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। टेम्पू पर सवार होकर टेम्पू पर अकेले था ये? अकेले की दो आदमी था। ये ड्राइवर है कि पैसेंजर? पैसेंजर है। क्या नाम था इसका? दिलीप। पिता का नाम? जद्दू। मरहा कौन सा मरहा मीरगंज जिला कौन सा था? पूर्णिया। आपका नाम क्या हुआ? इंद्रजीत।